सुल्तान मुराद 4 जुलाई 1564 में मनीसिया में पैदा हुए। शहजादा मुराद सुल्तान सलीम और इसकी ताकतवर बीवी नूर बानो सुल्तान के सबसे बड़े बेटे थे, और जब शहजादा मुराद सिर्फ 4 बरस के थे तो इनके दादा सुल्तान सुलेमान अव्वल ने इन्हें 1558 में संकाकबी का गवर्नर मुकर्रर कर दिया था। शहजादा मुराद 20 बरस के थे तो इनके वालिद ने सलीम सानी सल्तनत उस्मानिया के 11वें सुल्तान का हल्फ उठाया था, और जब आप 28 बरस के हुए तो 22 दिसंबर 1574 को अपने वालिद के इंतकाल के बाद शहजादा मुराद सल्तनत उस्मानिया के 12वें सुल्तान मुंतखब हुए। सल्तनत उस्मानिया के अपने कवानीन को मद्देनजर रखते हुए सुल्तान मुराद ने अपने ही 5 भाइयों को कत्ल करवा दिया, जो कि सल्तनत में इंतशार की वजह बन रहे थे। सुल्तान मुराद के इख्तियारात को हरम के असर और रसूख तक ही महदूद रखा गया था, खास तौर पर उनकी वालदा ने और फिर वालदा के बाद उनकी पसंदीदा बीवी सफिया सुल्तान, जो अक्सर अदालत में सुकोलेली पाशा के असर और रसूख को तरजीह देती थी। सलीम दोयम के दौरे इकतदार में, मतलब के सुल्तान मुराद के वालिद के इकतदार में, सल्तनत के अमूर ग्रैंड वजीर मोहम्मद सुकोलेली पाशा ही संभालते थे, जो अक्टूबर 1579 में अपने कत्ल तक इस अहदे पर फाइज रहे। सुल्तान मुराद के अहद में जो लड़ाइयां पेश आईं उनमें उस्मानी फौजों को नुमाया और अहम फतूहत हुई, लेकिन सीसक की लड़ाई में, बैटल ऑफ सीसक में, उस्मानियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इन सब लड़ाइयों में सबसे अहम जंग ईरान की जंग थी सफवी सल्तनत के साथ। 1555 में उस्मानियों ने अमासिया के माहदे के मुताबिक हमसाया सफवी सल्तनत से अमन कायम किया था, जिसके मुताबिक कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा और दोनों फ्री कैन अमन कायम करेंगे। लेकिन 1577 में मुराद ने शाह तहमासप अव्वल की मौत के बाद सफवी दरबारों में अफरा तफरी से फायदा उठाने के लिए उस्मानी सफवी जंग शुरू करते हुए जंग का ऐलान कर दिया, और इस जंग का सिलसिला 1578 से 1590 तक कायम रहा, और इन साजिशों से फायदा उठाने के लिए सुल्तान मुराद ने लाला मुस्तफा पाशा की निगरानी में जॉर्जिया पर हमला करवा दिया, जो ईरान की खलीफ मुमलिकत थी, और इसके नतीजे में पूरे जॉर्जिया को फतह कर लिया गया और जॉर्जिया को भी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना लिया गया। और फिर इसके बाद 1583 में उस्मान पाशा की क्यादत में सुल्तान मुराद ने दागिस्तान पर हमला कर दिया, और उस्मान पाशा ने दागिस्तान को फतह कर लिया, और फिर इसके बाद उस्मान पाशा ने क्रीमिया का रुख किया और वहाँ क्रीमिया के शहर काफा पर हमला कर दिया, क्योंकि काफा के बागी सरबरा मोहम्मद कराही ने उस्मानी फौज की मदद करने से इनकार कर दिया था, और 1584 में मोहम्मद कराही को उस्मान पाशा ने कत्ल कर दिया और मोहम्मद कराही के भाई को यहां का नया सरबरा मुकर्रर कर दिया गया, और इस मार्के के बाद उस्मान पाशा को 1.5 लाख लश्कर के हमरा तबरेज रवाना किया गया, और यहां भी उस्मान पाशा ने अपनी बहादुरी और काबिलियत का लोहा मनवाया और तबरेज भी फतह कर लिया। और फिर तकरीबन अगले 6 बरस तक उस्मानियों और सफवी सल्तनत के माबैन जंग चलती रही, लेकिन फिर 1590 में शाह अब्बास को ईरान का नया हुक्मरान मुंतखब कर लिया गया, और इसने सुल्तान मुराद से सुलह कर ली, जिसके नतीजे में जॉर्जिया, तबरेज, आज़रबाईजान और ईरान के कुछ हिस्से सल्तनत उस्मानिया के हिस्से में आ गए। वज़ीर आज़म सुकोलेली, जो सुल्तान मुराद के वालिद सुल्तान सलीम के मुंतखब करदा वज़ीर आज़म थे, जो बहुत काबिल और ज़हीन थे, उन्हें साजिशों के तहत 1578 में कत्ल करवा दिया गया था, और फिर इनके बाद सल्तनत के तकरीबन 10 वज़रा बदले गए, और उसी वज़ीर को मुंतखब किया जाता था जिसकी रसाई हरम तक थी, और इसी वजह से रिश्वत का बाजार गर्म हो गया और सल्तनत के अमूर बदतर होते गए, यहाँ तक के फौजी, अदालती और इंतजामी अहदों में भी उम्मीदवार की ज़ाती काबिलियत की बजाय उसकी पेश करदा रकम की सिफारिश कबूल की जाने लगी, और इसी वजह से सल्तनत के अंदरूनी मामलात कमज़ोर होने लगे और फौज के कई दस्ते बागी हो गए। मुराद का इक्तदार उस्मानी रियासत के लिए माली दबाव का वक्त था। फौजी तकनीकों को तब्दील करने के लिए उस्मानियों ने पैदल चलने वालों को आतशी असले के इस्तेमाल की तरबियत दी और उन्हें कौमी हजाने से बराह रास्त अदायगी की जाती। 1580 तक चांदी की आमद ने महंगाई और माशर्ती बदअमनी फैला दी थी, खास तौर पर चैनिसरी और सरकारी अहदेदारों के दरमियान, जिन्हें बददस्तूर करंसी की अदायगी की गई थी, और फिर ज़्यादातर आबादी के दबाव के साथ नतीजा खेज बगावतों को खास तौर पर अनातोलिया में महसूस किया गया। सुल्तान मुराद मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे और आपका रुझान तसव्वुफ की तरफ था, और तसव्वुफ में ही आपकी मशहूर तसनीफ फतूहातुल सियाम आज भी मौजूद है। सुल्तान मुराद की वफात 16 जनवरी 1595 में हुई और आपको हया सोफिया मस्जिद के पहलू में दफन किया गया।